उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस्तीफा देने से कुछ घंटों पहले औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदला था। शिवसेना सरकार का अंतिम क्षणों पर लिए गए इस फैसले की खूब चर्चा हुई। उद्धव ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा। नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम अनुभवी पीडब्ल्यूडी नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का फैसला लिया था। अब एनडीए सरकार ने इन फैसलों की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिलहाल जिलों के नाम बदलने वाले फैसलों पर रोक लगा दी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 29 जून को उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने औरंगाबाद उस्मानाबाद जिलों का नाम बदला था। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखा गया। इन फैसलों के अगले दिन 30 जून को शिंदे और फडणवीस ने शपथ ली थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। नाम बदलने का प्रस्ताव बहुमत परीक्षण के सुझाव के बाद पारित किया गया था। घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक पूर्व मंत्री ने कहा कि फडणवीस श्रेय लेने के इच्छुक हैं, क्योंकि सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह निर्णय नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि नई सरकार फैसले की समीक्षा करेगी और उसकी पुष्टि करेगी, ताकि वह राजनीतिक लाभ ले सकें। यह कदम ठाकरे के लिए एक और झटका है, जिन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलने को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया था। आपको बता दें कि एनडीए के घटक कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने नाम बदलने की कड़ी आलोचना की है। जब सरकार को एक सूत्र में बांधकर फैसला लिया गया तो पार्टियां चुप थी। एक हफ्ते पहले शरद पवार ने इसे ठाकरे की ओर से लिया गया एक तरफा फैसला बताया, क्योंकि शहरों का नाम बदलना एनडीए सरकार के एजेंडे में नहीं था। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।